हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ नाश्ते की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, और ये नाश्ता सभी को पसंद आएगा अगर आप बना के देंगे। आप इसको टिफ़िन में बना के दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में बना के दे सकते हैं। तो चलिए इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है 1 कप बेसन। तो यहाँ पे हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे, उसमें हम डाल देंगे 1 कप बेसन, और उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो आधा चम्मच के करीब ये नमक डाल दिया है मैंने, और थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे हम लाल मिर्च का पाउडर, और उसके बाद इसमें बढ़िया सा कलर आने के लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। तो अब सारी चीज़ें हम डाल दिए हैं। अब इसका घोल बनाने के लिए हम डालेंगे यहाँ पर 1 कप पानी। तो इसका ढक्कन लगा के अब इसको हम 2 से 3 बार मिक्सर में चला देंगे, तो ये बढ़िया से इसका पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए, इसका बैटर मैंने तैयार कर लिया है। तो इस बैटर को हम एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो देखिए, इस तरह का हमें बैटर इसका तैयार करना है। तो ये देखिए, बैटर ये ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा ये पतला है। तो अब हम इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए, तब तक ये बढ़िया सा सेट हो जाएगा। तो आप इस नाश्ते को बनाने के लिए तवा का भी यूज़ कर सकते हैं और पैन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने गैस पे रख दिया है पैन, और इसको हम गर्म होने देंगे। तो चलिए हम अपने बैटर को भी देख लेते हैं कि देखिए, बढ़िया सा सेट हो गया है ये बैटर। तो अब ये एकदम रेडी हो गया है बनाने के लिए। तो पैन में पहले हम थोड़ा सा छिड़क देंगे पानी, और फिर इसको किसी कपड़े से हम पोंछ देंगे। तो चारों तरफ से इसका पानी हमें पोंछ देना है, और ये जब गर्म हो जाएगा एकदम से, तभी हम इस बैटर को इसमें डालेंगे। तो 1 चम्मच भर के हम बैटर ले लेंगे, और फिर इस तरह इसको पैन में डाल के और इसको राउंड राउंड हम पूरे में फैला देंगे। तो इसकी पतली सी लेयर हमें फैलाना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो इसको नीचे से हम सिकने देंगे। जब बढ़िया सा ये नीचे से ड्राई हो जाएगा और ये पैन को छोड़ने लगेगा, तब हम इसको पलटेंगे। तो देखिए, बढ़िया सा ये पैन को छोड़ रहा है। तो ये बढ़िया सा नीचे से पक चुका है, अब इसको हम पलट देंगे, और दूसरी तरफ से भी इसको थोड़ी देर के लिए हम सेक लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हमें दूसरी तरफ से इसको सेकना है, उसके बाद फिर हम इसे पलट देंगे। तो इस तरह से हम इसको घुमा देंगे, तो ये बढ़िया सा चारों तरफ से बढ़िया सा पक जाएगा। तो देखिए, पक गया है, इसको हम पलट देंगे वापस से, और फिर इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल रही हूँ। तो इसको पूरे में फैला देंगे हम अच्छे से। उसके ऊपर से फिर हम धनिया डाल देंगे, और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्यूब ले लिया है पनीर का, उसको भी चारों तरफ से हम इस तरह करके कद्दूकस करके डाल देंगे। तो इसमें आप और भी वेजिटेबल्स डाल सकती हैं, जैसे शिमला मिर्च हो गया, टमाटर को भी बारीक बारीक काट के इसमें डाल सकते हैं ऊपर से, और भी वेजिटेबल्स जो भी आपको पसंद हो उसको भी आप इसमें डाल सकती हैं। तो देखिए, ये नाश्ता पक चुका है। अब हम नीचे से इस तरह से चम्मच लगाएंगे और इस नाश्ते को उठा लेंगे, फिर इसे किसी प्लेट में रख देंगे। तो अब हम बचे हुए नाश्ते को भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें बैटर को बढ़िया सा फैला देना है। तो देखिए, कितना इजी है ये नाश्ता बनाना, कितना जल्दी बन जाता है, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, नाश्ता को अब हम कट कर लेंगे। तो आप किसी पिज़्ज़ा कटर से या तो चाकू से आप इसमें छोटा छोटा कट लगा दीजिए, फिर इस तरह से नाश्ते को राउंड कर दीजिए। नाश्ते को इस तरह राउंड करने से नाश्ता बहुत ही ज़्यादा यम्मी दिखने लगता है। तो इस तरह से हम सारे नाश्ते को अपने राउंड कर करके रख लेंगे। तो आप इस नाश्ते को बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं, और बच्चे पूरा टिफ़िन फिनिश करके आएंगे।